नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संथाल परगना प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए देवघर जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं देवघर को। तो देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि देवघर जिले को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर को बाबा नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है, इसीलिए देवघर को बाबा नगरी कहा जाता है। इसका स्थापना 1 जून 1983 को दुमका जिले से अलग करके किया गया था। तो कब किया गया था देवघर जिले का स्थापना? 1 जून 1983 को। यह संथाल परगना के पश्चिम भाग में स्थित है। अब इसका सीमाएं देखेंगे तो यह झारखंड के गिरिडीह, जामताड़ा तथा दुमका जिला तथा बिहार के भागलपुर जिला से घिरा हुआ है। मतलब देवघर जिला झारखंड के कुल 3 जिला गिरिडीह, जामताड़ा तथा दुमका और बिहार का एक जिला वह भागलपुर जिला से घिरा हुआ है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई 254 मीटर है और अगर आप इसको फीट में चेंज कीजिएगा तो 833 फीट आएगा। देवघर का कुल क्षेत्रफल 2479 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा देवघर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2479 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ का वाहन निबंध संख्या JH15 है। यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 2 है, वह है देवघर और मधुपुर। वर्तमान समय में यहाँ प्रखंडों की कुल संख्या 10 है। सारे प्रखंड का नाम हम लोग देख लेते हैं तो वह है देवघर, मोहनपुर, देवीपुर, सारवा, सोनाराय, मधुपुर, सारठ, पोलोजोरी, करो और मार्गोमुंडा। तो याद रखिएगा देवघर जिले में अभी प्रखंडों की संख्या 10 है और अनुमंडल 2 है। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 4 है। 4 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवघर आता है, वह जरमुंडी, मधुपुर, सारठ और देवघर। तो वर्तमान समय में अभी यहाँ से MLA कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर है, वह BJP से हैं। मधुपुर से हाजी हुसैन अंसारी हैं, यह JMM से हैं। सारठ से रणधीर कुमार सिंह हैं, यह BJP से हैं। और देवघर से नारायण दास हैं, यह भी BJP से हैं। यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र 2 है। 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवघर आता है, वह है दुमका और गोड्डा। तो वर्तमान समय में अभी दुमका से MP सुनील सोरेन है, वह BJP से हैं। और गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं, वह भी BJP से हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं वह है मयूराक्षी और अजय। यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान है वह है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, सत्संग आश्रम, पगला बाबा आश्रम, लीला मंदिर, ऋषिया पीठ आश्रम और देवसंग मठ। अब हम लोग यहाँ का पर्यटन स्थल देखते हैं तो वह है नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ी और शिवगंगा। यहाँ का प्रमुख मेला है वह है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला पूरा विश्व में प्रसिद्ध है और यह एशिया का सबसे लंबा मेला है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं वह है संथाल, कोल, माल पहाड़िया और महली। अब हम लोग यहाँ का प्रमुख उद्योग देखेंगे तो वह है देवघर का दवा उद्योग, जसीडीह का ऊनी धागा उद्योग, मधुपुर का चीनी सीमेंट उद्योग, सीमेंट चादर तथा लघु एवं कुटीर उद्योग। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी हैं वह है सखाराम गणेश देउस्कर और विनोदानंद झा। अब हम लोग देवघर जिला से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे तो आइए देखते हैं। झारखंड राज्य के संथाल परगना विभाजन में देवघर जिले का मुख्य शहर है और देवघर पहले दुमका जिले का हिस्सा था। देवघर शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर देव तथा घर से हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से है और घर का अर्थ निवास स्थान से है। देवघर को बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम हमलावर बख्तियार खिलजी ने बिहार पर विजय के बाद 1201 ईस्वी में देवघर को अपनी राजधानी बनाया था। देवघर शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देवघर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तथा 51 शक्तिपीठ में से एक के रूप में स्थान रखता है। यहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ और अगल बगल में स्थित है। देवघर एक शक्तिपीठ है जहाँ माँ सती का हृदय गिरा था और अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ था, तभी से यह स्थान चीता भूमि के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर स्थित है।
मंदिर का निर्माण किसने करवाया यह पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सामने का कुछ अंश गिद्धौर महाराजा के पूर्वज पूरनमल द्वारा 1596 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर के शिखर पर 3 चरणों के आकार का सोने का कलश भी गिद्धौर महाराजा के द्वारा ही लगवाया गया था। मंदिर के आंतरिक शिखर पर अष्टदल कमल चंद्रकांता मणि स्थापित है। यहाँ का श्रावणी मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह एशिया का सबसे लंबा मेला है। देवघर के बाहरी हिस्से में स्थित नौलखा मंदिर अपने वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह मंदिर बेलूर में स्थित रामकृष्ण के मंदिर की तरह दिखता है। इसके अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के निर्माण में खर्च की गई राशि लगभग 9 लाख रुपये थी, इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह राशि चारुशीला द्वारा पूरी तरह से दान की गई थी, जो पथुरिया घाट के परिवार कोलकाता से संबंधित थी। इस मंदिर का निर्माण संत बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी ने किया था। सत्संग आश्रम अनुकूल चंद्र द्वारा स्थापित इनके अनुयायियों के लिए एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है। सर्वधर्म मंदिर के अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय और चिड़ियाघर भी स्थित है। देवघर स्थित पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर बृहद मेला लगता है। नंदन पहाड़ प्रसिद्ध नंदी मंदिर की मेजबानी करता है और यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है। मंदिर के अलावा पहाड़ी में नंदन हिल एंटरटेनमेंट पार्क नामक एक प्रसिद्ध पार्क भी है। नंदन पहाड़ के बारे में एक ऐसा पौराणिक कथा है कि रावण ने शिवधाम में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की जब नंदी भगवान शिव के द्वारपाल थे। नंदी ने उन्हें भगवान शिव के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया, तब रावण क्रोधित हो गए और उन्हें इस साइट पर फेंक दिया। इसीलिए पहाड़ी को नंदी के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार इस पहाड़ी का नाम नंदन पहाड़ पड़ गया। त्रिकुट पहाड़ की 3 प्रमुख चोटियां हैं, इनके नाम हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसीलिए इसे त्रिकुट कहा गया। त्रिकुट पहाड़ के मुख्य शिखर विष्णु चोटी पर रोपवे के माध्यम से भी जाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय तक रावण ने भी यहाँ तपस्या की थी। यहाँ प्रसिद्ध त्रिकुटांचल मंदिर भी स्थित है। झारखंड की एकमात्र नवगम्य नदी मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पर्वत है और मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नवगम्य नदी है। देवघर के देवीपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है। तो ये था देवघर जिले से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।